सागर जिले के राहतगढ़ में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे। वहां उन्होंने राहतगढ़ नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वार्ड वासियों की समस्या सुनी और विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। राहतगढ़ नगर के 15 वार्डों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि राहतगढ़ वालों से मेरा लगभग 25 साल पुराना रिश्ता और लगाव है, इसलिए आज मैं राहतगढ़ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं मंत्री होने के बाद राहतगढ़ के एक एक मोहल्ले का भ्रमण कर रहा हूँ। आपने स्वयं देखा होगा, आपके वार्ड का पार्षद भी आपके वार्ड में समस्या सुनने नहीं आता है। यह तो एक मेरा लगाव है। राहतगढ़ वालों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के राहतगढ़ नगर आगमन पर युवक कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राहतगढ़ नगरवासी शामिल हुए। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और जहाँ जहाँ हम घूम कर आए हैं, सभी वार्डों के हमारे आदरणीय बुजुर्गों, सभी हमारे नौजवान साथियों, सभी हमारे राहतगढ़ के वरिष्ठ नेतागण, आप सबको हमारी नमस्कार। आज हमारी बहुत इच्छा थी कि हम राहतगढ़ में जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के समय एक एक मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद फिर जाना जरूरी नहीं समझते। हमसे कई लोगों ने कहा कि आपसे तो सब लोग मिलते ही हैं, आप तो रोज ही लोगों से मिलते हो, पर हमने कहा मिलने जुलने से नहीं, हम एक एक वार्ड में सबका आशीर्वाद लेने जाएंगे। तो जैसे हम पहले आते थे, ऐसे ही मंत्री बनने के बाद आज हम सारे राजगढ़ के 15 वार्डों में घूमने के बाद झंडा चौक में आपका आशीर्वाद लेने आए। हमारे आपके संबंध आज से नहीं है, इस बात को हमेशा हम बोलते हैं। ए बच्चों, संबंध 25 साल हो गए और एक एक व्यक्ति से हमारे संबंध हैं, घर घर से हमारे संबंध हैं। हमें आपको और हमें आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई कितनी राजनीति करे, पर सच्चाई हमारे और आपके दिल में है। तू यहाँ सा हो जाए, हमारे मन में कितना प्रेम आपके प्रति है और आप लोगों को कितना प्रेम और आशीर्वाद है, ये हम जानते हैं। हमने जब देखा कि राहतगढ़ में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका कच्चे से पक्का मकान, जो कुटी उन्हें मिलना चाहिए थी वो कुटी उन्हें नहीं मिली। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान नहीं मिला और बड़े बड़े लोगों को पक्का मकान मिल गया। इसलिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, हमने अधिकारियों से कहा है कि 2 माह के अंदर सभी राहतगढ़ के गरीब लोगों की सूची बनाओ, सारे लोगों के जिनके कच्चे मकान हैं पक्के होना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। 2 महीने बाद हम फिर आएंगे और सारे लोगों के जितने गरीब लोग छूट गए हैं
उनको कच्चे से पक्के मकान के पैसे देंगे और जो रह जाएंगे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें मंत्री 4 साल और रहना है, सारे लोगों के पक्के मकान बनवा देंगे। इसके अलावा जो बनता है वो आपके लिए हमेशा हमने किया है। अभी भी जितने वार्डों में गए हैं खाली हाथ नहीं गए, सारे वार्डों में कुछ ना कुछ पैसा देकर आए हैं। सारे 15 वार्डों में अभी तक हमने 1 करोड़ रुपया बांट दिया है। कोई कार्य की कमी नहीं आएगी। आप लोगों के लिए हमने बहुत पहले जब विधायक थे तब हमने सारे लोगों के लिए शादी के लिए एक भवन बनवाया था। 15 साल हो गए, कई नेता आज निकल गए, पर आज भी गोविंद सिंह के दाई भाई मकान में शादी हो रही कि नहीं हो रही? बाकी राजगढ़ में कुछ नहीं। अब हम चाहते हैं एक शादी भवन हम दे रहे हैं पूरे गांव के लिए। गांव के उस तरफ चंदू के मकान के सामने की जगह तय की है और एक शादी घर आप लोगों के हिसाब से आप जगह देख लो। आप एक शादी भवन जितना आप लोगों की आवश्यकता है आप लोगों के लिए भी हम अलग से देंगे, ताकि आप लोगों की शादियां बच्चों की बच्चियों की आराम से हो जाए। आप लोग स्थान तय कर लेना, उसमें भी करना वो भी आपका है, लेकिन अगर यहाँ करना हो तो आसपास जहाँ जगह बताना वहाँ भी हम व्यवस्था आगे चल करवा देंगे। आप सब लोगों से हमारा ये निवेदन है कि हमने कभी भी पार्टी को नहीं देखा, कभी किसी व्यक्ति से बदले की भावना में कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमें आप लोगों में आपस में 10 प्रकार के ग्रुप होते हैं और सब में होते हैं, लड़ाई घर घर में होती है, लेकिन जब हमारा मौका आता है तो सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं। इसलिए हम सारे लोगों के लिए एक निगाह से देखते हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए सम्मान हमारी तरफ से बराबर है और बराबर रहेगा। आप लोग जो भी एक आध कोई चीज चाहते हो तो वो आप बताओ, उसकी घोषणा अभी हम कर देंगे। अब हमारा जेब खाली हो गया है, आखिरी पैसा है। आप लोग जो कहो आपके पार्षद कहे, जो भी कहीं रोड हो जहां पार्षद में जरूरत हो तो वो आप कहना, किसी की बातों में नहीं आना। इसलिए इनसे नहीं, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने दिया है कहाँ है। नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करवाने की जवाबदारी हमारी है, वो तो हम करवाएं। वो आप अभी हमने कब्रिस्तान के लिए 1 लाख रुपया दिया है सेट बनने के लिए, वो तो हमने दे दिया। बाउंड्री वाल में ज्यादा पैसा लगेगा वो हम कराएंगे। कब्रिस्तान तक के लिए रोड हमने मंजूर कर दिया है, काम उसका लग जाएगा। अब कहाँ आसपास कहाँ आपको रोड की आवश्यकता है, वो कौन कब्रिस्तान, वहाँ को 1 लाख हम दे दिए, आप कहाँ चाहते हैं और कौन से कब्रिस्तान है? डिपो की कब्रिस्तान को 1 लाख रुपया, दोनों कब्रिस्तान के शहरों को 2 लाख रुपया, सारे कब्रिस्तानों के लिए 4 टीन सेट बनेंगे आपके बरसात में धूप में खड़े होने के लिए। पूरी नगर पंचायत के 15 वार्डों का न केवल भ्रमण किया बल्कि
कि हमारी इच्छा थी कि लोगों से खुद जाकर मिलें, उनका आशीर्वाद लें। हमने बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी परेशानियां गांव में थी, नगर पंचायत में थी, सब मिलाकर करीब हमने 1 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत की है। जल्दी से जल्दी काम शुरू होंगे और शुरू होने के बाद अच्छी क्वालिटी काम हो, काम का मुआयना करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हम स्वयं आएंगे। क्वालिटी अच्छी होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।